भाई गुरुदेव जी राम राम। राम राम, धरती माता की जय, गुरुदेव की जय। सर आज क्या किस चीज़ का आयोजन करा रहे हैं, किस पक्ष में करा रहे हैं? आज हमारे शादी की सालगिरह है, वर्षगांठ है और 37वां वर्ष हो चुका है हम लोगों को विवाह बंधन बंधे हुए। और हम गुरुदेव से माता जी से यही प्रार्थना करते हैं कि हम लोगों का जीवन ऐसे ही बढ़िया तरीके से गुजरता रहे। इसी उपलक्ष्य में हम हवन के द्वारा अपने परिवार को और आसपास सभी लोगों को ऐसा माहौल बने कि हवन से एक तो शुद्ध वायु मिलती है, प्राणवायु मिलती है और भावनाएं भी अच्छी बनती हैं। जो लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं, पार्टी देते हैं, उनके बारे में आपका क्या कहना है? हमारे गुरु का जो आदेश है हम लोग उनका अनुकरण करते हैं। हमारे गुरु का कहना है कि कम से कम खर्च हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास हमारी बात, हमारा लेखन सब लोगों के पास पहुँचे, उसको समझें, जिससे कि उनके अंदर संस्कार संस्कृति आए सनातन धर्म की। सीताराम जी, आपका नाम क्या है और किस उपलक्ष्य में आप ये कार्यक्रम कर रहे हैं? मेरा नाम अजय शर्मा है, गायत्री मंदिर में सेवारत हैं। ये कार्यक्रम आज विवाह दिवस के उपलक्ष्य में गायत्री यज्ञ का आयोजन किया गया है। इसका उद्देश्य है विवाह के समय जो दाम्पत्य सूत्र में बंधते समय 9 प्रतिज्ञाएं की गई थीं, उन प्रतिज्ञाओं का पुनः अवलोकन, यदि जीवन में किसी प्रकार से उन प्रतिज्ञाओं के परिपालन में कोई कमी आई है तो आज के दिन हम पुनः उन प्रतिज्ञाओं को पढ़ते हैं, उन सूत्रों को अपने जीवन में धारण करने का संकल्प लेते हैं। सुखी सफल दाम्पत्य जीवन की मंगलमयी प्रार्थना सहित हम सब भगवान जी को आहुति करते हैं और भगवान जी का यज्ञ पिता गायत्री माता भारतीय संस्कृति के निर्माता का आशीर्वाद उन दंपतियों को मिलता है जिनका कि विवाह दिन संस्कार है। उनके स्नेही स्वजन सब लोग उनके लिए प्रार्थना करते हैं तथा अपनी शुभ कामनाएं शुभ आशीर्वाद प्रदान करते हैं। श्रीवास्तव गायत्री हकबीट्स आतियाताल से जुड़ा हुआ हूं। आज श्री हमारे गुप्ता जी के यहाँ हम आए उनका विवाह दिवस संस्कार मनाने के लिए। यज्ञ के माध्यम से सभी को ये संस्कार अपने घर घर मनाना चाहिए, क्योंकि संस्कार के माध्यम से ही आदमी के जीवन में तरक्की मिलती है। आदमी वैसे जीवन में सभी लोग एक बचपन से जब पैदा होते हैं तो सभी एक से होते हैं, उनको द्विज बनाने के लिए संस्कार दिए जाते हैं और संस्कार के माध्यम से ही व्यक्ति आगे बढ़ता है। हम चाहते हैं कि घर घर ये संस्कार हो, हर को व्यक्ति संस्कार के माध्यम से ही अपने यज्ञ के माध्यम से संस्कार को मनाए ताकि उनके बच्चों में भी यह प्रवृत्ति आए और आसपास के लोगों को बुलाए ताकि उनको भी ये बात सब समझ में आए कि भारतीय संस्कृति हमारी क्या है, भारतीय संस्कृति का ज्ञान क्या है, उनके तक भी ये विचार पहुंच सके। जी, जो लोग अपने घर में संस्कार कराना चाहते हैं, जन्म संस्कार या विवाह पे गायत्री यज्ञ कराना चाहते हैं, कैसे संपर्क करें आपसे? हाँ, वो या तो गायत्री शक्तिपीठ पर जाकर के वो संपर्क कर सकते हैं, अपना लिखवा सकते हैं, या मोबाइल नंबर हो तो आप डायरेक्ट भी संपर्क फोन से कर सकते हैं। 9452600065।